लोग, मैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैं एक रमज़ान आ गई, कौन है व्लॉग लेके। और आप लोग कहेंगे कि मैं जो है वो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपना किचन से। यार ये टाइम होता ही किचन का है, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं खुद आज बहुत देर से उठी हूँ, 4 बजे उठी हूँ मैं, 4 बजे। यार छुट्टी थी जयान की भी आज स्कूल की, तो मैं कहा चलो सोते रहो, फिर मैं सोती रही और मेरी आँख खुली 4 बजे। मैं कहा उठो जल्दी करो, जल्दी उठो। और फिर मैं उठी, फिर उठ के जैन के ट्यूशन में जा और फिर मैं अपना काम करने लग गई। देखें प्याज कितना आपको फैला हुआ लग रहा होगा, और ये मैंने कीमा भी गोया है, इसमें कीमा है। और मैंने आलू काट लिए हैं पकौड़ों के लिए। ये मेरे काले छोले उबल रहे हैं, ये आलू उबल रहे हैं, और ये मेरे वाइट छोले उबल रहे हैं। और आज चूल्हा देखें कितना गंदा हो गया है ना, ये सिर्फ छोलों की वजह से हुआ है, सॉरी यार, सॉरी यार। और आलू मैं बॉईल करने रख दिए हैं, और अब मैं जो है वो दही बड़े जो है वो थोड़ा जल्दी, मतलब 5:30 बजे तक बना के मैं रख दूँगी, तो वो थोड़ा जल्दी बना के रख दूँगी ताकि जो है वो फुल्कियाँ जो है वो दही के अंदर सेट हो जाएँ, पी लें। और प्याज बिल्कुल एंड में डालेंगे हम, छोले आलू ये सब डाल देंगे, बस प्याज एंड में डालेंगे क्योंकि आपको पता है प्याज पानी छोड़ देती है। तो जी बनाएंगे आज, अपने दिल को खुश करेंगे, खुश। मेरी हरी चटनी भी ख़त्म हो गई है, तो मुझे हरी चटनी पीसनी है, तो मैंने पीस निकाल लिया इमली का। और ये देखें मैंने जमाया है दही, और मैंने फुल्कियाँ बना लिए हैं क्योंकि आपको पता है मुझे दही बड़े बनाने हैं, तो मैं जल्दी बना लिए हैं। और ये मैंने दही जमाया है, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखें मैंने पानी में डाल दिए हैं फुल्कियाँ, ये मैं अपना टैंक बना रही हूँ, ठीक है। अब जो है हम इस बाउल में अपनी सारी प्रिपरेशन करते हैं, और इस बाउल में हम बनाएंगे दही बड़े छोले की चाट। और जी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बना लिया है चाट, दही बड़े की चाट। इसमें मैंने छोले आलू, बस प्याज नहीं डाली क्योंकि प्याज पानी छोड़ देती है, तो मैंने दही बड़े रेडी कर लिया है। बहुत दिल चाह रहा था मेरा, तो आज मैंने बना ही लिया। और खुद सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि खुद के जमाए हुए दही से बनाई है। हम आ गए फ्राई की तरफ, तो मैंने पकोड़े अपने आलू के फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, और बेसन ये रहा। अब मैं इसमें पालक और प्याज के बनाऊंगी, ठीक है। और ये मैंने छोले बना लिए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेटा कितना मेरी हेल्प करवाता है। आप क्या करें जान, मम्मा की हेल्प करवा रहे हैं, ये सारे अपनी मर्जी के पापड़ डाल रहे हैं, आप देखें। ये रही मैं सब कुछ करने वाली व्लॉगर मम्मा, और ये मेरा व्लॉगर मम्मा का बेटा मेरा। आप लोग मेरा व्लॉग क्यों नहीं देख रहे, मेरा व्लॉग तो कोई देखता ही नहीं है, सारे मेरा तो एक लाइक भी नहीं हो रहा। आप लोग मेरा लाइक कर रहे हैं, बोले मम्मा आप लोग सब मेरा व्लॉग लाइक कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें, यस। और ये प्याज और पालक के पकौड़े, और चूल्हा अभी तक गंदा है, वो मैं रोजे के बाद साफ करूंगी, रोजे के बाद, रोजा खुल जाएगा ना उसके बाद फिर साफ करूंगी सुकून से। क्या कर रहे हैं आप, ये इससे खेल रहे हैं, इससे खेल रहे हैं आप, ये किसने दिया था आपको, मेरे बाबू ने हैं, मेरे बाबू ने। बाबू कौन है आपके, आयशा के बाबा। नाम क्या है उनका, ऊपर देख के बात करें, नाम क्या है उनका, फात हैं, फात जी, फात फात। मैं बताऊंगी कि आपका नाम कैसे ले रहे हैं। अब टाई हो गई है मेरी रेडी, और अब हम जाएंगे नीचे, और मेरे दही बड़े छोले के साथ यार एक चीज़ तो रह गई, पापड़ी, जो कि मैं लाई थी, और जयान जो है ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, वो चलते फिरते पापड़ी शौक से खाते हैं,
मैंने भी देखा तो खत्म, कोई बात नहीं, हम उसके बगैर ही खा लेंगे। आ गए हम नीचे और अब ट्राई करते हैं, सब बैठे हुए हैं। ये चटनी तो आज खत्म हो गई थी, मैंने भी पीसी है। यासे मम्मा पापा जियान और ये मैं। रोजेस हो गए बिल्कुल फ्री, चाय वाय भी हमने पी ली है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जो कि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी और मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई, ठीक है, शेयर नहीं कर पाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या किया। ये देखिएगा ये क्या हुआ है, कपड़े धुले हैं, थोड़े से कपड़े थे, ये थोड़े से तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं। बस साथ साथ मैंने कल बनाई थी चने की दाल फ्राई, परसों बनाई थी शायद, तो मैंने कहा आज कुछ चेंज कर लेते हैं। तो फिर मैंने बना लिए हैं कोफ्ते आलू फेजू के लिए। जब मैंने फेजू के लिए कोफ्ते आलू बनाए तो फिर मेरा बेटा मुझसे कहता है मम्मा और मैं, वैसे वो कोफ्ते आलू बहुत शौक से खाता है, ऐसी बात नहीं है, पर उन्हें खानी है बिरयानी और वो तो बिरयानी के लिए ना मुझे पागल बना के रखता है, हर वक्त पागल बना के रखता है। कमज़ोरी है बिरयानी उसकी। ये रहा मेरा बदमाश बेटा। तो फिर ओके, तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने उसके लिए थोड़ी सी चिकन बिरयानी बना ली, थोड़ी सी से मतलब कि उसका तो हो जाएगा पूरा, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए मैंने भगरी हुई चिकन बिरयानी। चलो वो शौक से खा लेगा तो बना लेती हूँ। फिर मैं साथ साथ मशीन भी समेटी और मैंने कोफ्ता आलू भी बनाया, बिरयानी बनाई और अब मैं हो गई बिल्कुल फ्री, ठीक है। और मैंने कहा कि आप क्या करें, तो हम अभी तो कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं बोर हो रहे हैं जी। इसी के साथ अब हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओह मैं तो भूल गई, हम अपने ब्लॉग का एंड एक अच्छी बात के साथ करते हैं। अच्छी बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरीज़ जब तक तंदुरुस्त ना हो जाए उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानियों को दूर करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।